खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार में आयोजित एक वृहद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में अधिकारी पदों पर चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन रोजगार के तहत आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने ई अधियाचन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव समेत कई मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। जहां पर विकास के कार्य में माफिया हावी होते थे, जहां पर प्रशासन के ट्रांसफर पोस्टिंग इस प्रकार से होती थी जैसे कोई ताश के पत्ते फेंट रहे हो, अभी वह व्यक्ति अपनी नियुक्ति स्थल पर गया ही नहीं तब तक दूसरा पत्र भी पहुंच जाता था फिर वापस आने के लिए, और किस प्रकार से बेईमानी और भ्रष्टाचार का दीमक पूरी व्यवस्था पे लग चुका था। लोग ये मान चुके थे कि उत्तर प्रदेश सुधरेगा नहीं, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि अब उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है और अपनी असीम संभावनाओं को उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के सामने रखेगा।